आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के बारे में। 29 अप्रैल 2021 को दोपहर 1 बजे लगभग सोन सूजनी ने ट्वीट किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को। इसके अलावा सार्वजनिक तौर पर ट्वीट किया था कि कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है उनके लिए विशेष कोई योजना होनी चाहिए, या जो भी व्यक्ति जो भी संस्थाएं आगे आकर के उनके लिए कुछ करना चाहती हैं तो उनको जरूर करना चाहिए, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके खर्चे को लेकर। उसके बाद 13 मई को सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कोविड-19 बाल कल्याण योजना के बारे में प्रस्ताव जारी कर दिया गया था और जिसे 21 तारीख को पूरी तरह से अप्रूव कर दिया गया है। इसके अलावा 7 से 8 राज्यों में योजनाएं लागू कर दी गई अलग अलग तरीके से। यदि आज हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर खाद्य, शिक्षा और उनके लिए आर्थिक रूप से सारी मदद के लिए पूरा खाका तैयार हो गया और वो अप्रूव भी हो गया है, जिसमें से आर्थिक रूप से हर महीने उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। उसकी पूरी डिटेल दे दी गई है, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक उसको आप पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा उनके खाद्य यानी राशन से संबंधित पूरी तरह से निःशुल्क सुविधाएँ हैं और साथ साथ वो पढ़ाई यदि करते हैं चाहे प्राथमिक शिक्षा हो या फिर उनके अलावा तकनीकी शिक्षा हो या कोई डिग्री हो, मेडिकल की डिग्री हो, जहाँ तक वो पढ़ाई करना चाहते हैं, लगभग 25 साल की उम्र तक पूरी तरह से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी मध्य प्रदेश राज्य सरकार। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा 1 हफ्ते में, लगभग 1 जून से पहले इसकी सारी पोर्टल्स आ जाएंगे तो मैं उसमें बता दूंगा कि कैसे आवेदन करना है। उसके पहले इसकी पात्रता क्या होगी, पात्रता इस सेकंड वेव में जो माता पिता जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हुई है उनको ही सुविधा का लाभ दिया जाएगा, यानी 1 मार्च 2021 से अभी 30 जून 2021 तक जिनकी मृत्यु होगी वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद, यानी RT-PCR टेस्ट यदि जिनका आया होगा पॉजिटिव उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी योजना है जिसमें 5,000 रुपये प्रति महीने दिए भी जाएंगे उन बच्चों को, ताकि उनका जो है हर महीने का खर्च भी पूरा हो सके। तो ये सारी योजनाएं की जानकारी हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं और आगे भी आपको कैसे आवेदन करना है जैसे लिंक ओपन होगी तो हम आपको पूरी तरह से बता सकते हैं। यदि योजना से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है आपको तो आप जरूर हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। सभी लोग अपने अपने राज्य के संबंधित विभाग में संपर्क कर सकते हैं, जो महिला बाल विकास विभाग होता है या संबंधित जानकारियाँ मिल जाएंगी वहाँ से। इसी तरह की उपयोगी व महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी।